सासन ब्लॉक का अलॉटमेंट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कहने पे हुआ। रमन सिंह के कहने से अनेक अलॉटमेंट हुए, यहां तक कि अनिल संचेती जो भाजपा के भी राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं, जो कि एंड यूजर नहीं है, उनको भी कोल ब्लॉक अलॉट हुआ है। ये सारी बातें लोकसभा में खुलेंगी, इसलिए वो चर्चा नहीं करना चाहते। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, जिनका नाम सही लेने से चूक गए, वो है अजय संचेती। नागपुर से राज्यसभा में बीजेपी सांसद हैं अजय संचेती। दिग्विजय सिंह के आरोप लगाने के बाद अजय संचेती ने भी माना कि उन्हें कोल ब्लॉक मिला है, लेकिन संचेती के मुताबिक उन्हें टेंडर से कोल ब्लॉक मिले हैं, आवंटन से नहीं। 2008 में मुझे कोल ब्लॉक टेंडर रूप से मिला था, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने टेंडर किया था और उस समय उन्होंने मुझे 49% का जेवी पार्टनर सिलेक्ट किया है, तो इसलिए उनका ये कहना कि तो मुझे ये कोल ब्लॉक अलॉट हुआ है ये सरासर गलत है। मुझे ये कोल ब्लॉक जो है वो टेंडर सिस्टम से मिला है, जिसमें उन्हीं के सांसद जो है, कांग्रेस के एक सांसद की कंपनी है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, वो मेरी कॉम्पिटिटर कंपनी थी, उनसे ज्यादा रेट मैंने कोट किया, इसलिए मुझे ये काम मिला। अजय संचेती के मुताबिक 2008 में उन्हें टेंडर के जरिए ये कोल ब्लॉक मिला। दिग्विजय सिंह ने ये भी आरोप लगाया है कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी से करीबी होने की वजह से संचेती को कोल ब्लॉक मिले। सुनिए इस पर अजय संचेती की सफाई। भारत सरकार ने जब ये कोयले का ब्लॉक छत्तीसगढ़ सरकार को अलॉट किया तो ये कमर्शियल कोल का ब्लॉक दिया गया है। कमर्शियल कोल का मतलब होता है ट्रेडेबल कोल। इस कोयले का एंड यूज स्पेसिफाइड नहीं होता है, इस कोयले को कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री के लिए बेचा जा सकता है, इसलिए उनका ये कहना सरासर गलत है कि पावर प्रोजेक्ट कौन सा डाले। मुझे किसी प्रकार का प्रोजेक्ट डालने की आवश्यकता नहीं है और ये सरकारी नियमों के अनुसार किया गया है। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी जी के करीबी अजय संचेती, मुझे ये काम 2008 में मिला, उस समय नितिन गडकरी जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे। नागपुर से लंबे समय से व्यवसाय से जुड़े अजय संचेती गडकरी के साथ बीजेपी के कार्यक्रमों में देखे जाते रहे हैं, लेकिन संचेती ने साफ किया कि जब उन्हें ये कोल ब्लॉक मिले थे तब गडकरी अध्यक्ष पद पर नहीं थे। खास बात यह है कि अजय संचेती ने अपनी सफाई दिग्विजय सिंह को फोन पर दी थी, इसके बावजूद दिग्विजय लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। मैंने अभी आज 15-20 मिनट पहले दिग्विजय सिंह जी को टेलीफोन करके ये कहा कि दिग्विजय सिंह जी, आप बहुत सीनियर नेता है, आपको शायद पूरी जानकारी आपको मिली नहीं है या जानकारी का अभाव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो जो चीजें मैंने आपको बताई है मैंने उनको भी बता दी है। उनका कहना था कि आप मुझे एक पर नोट बना के भेज दीजिए। मैं क्यों भेजू नोट, कोई मैं कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता तो उन्हें उनको नोट भेजू, मैंने जो कहा है वो रिकॉर्ड के ऊपर है, वो चाहे तो पता कर ले, ये सब चीजें ओपन है। राजनीति में आने से पहले अजय संचेती का परिवार संघ से जुड़ा रहा है और अजय संचेती पहली बार राज्यसभा सांसद बनकर राजनीति में आए हैं। पिछले साल संसद पहुंचे अजय संचेती पर दिग्विजय सिंह के तीखे हमले के बीच एक बार फिर बड़ा सवाल ये है कि क्या कोयले घोटाले में बीजेपी के हाथ भी काले हैं।